आप देखेंगे कि 2-3 सप्ताह में आपके जीवन में काफी बदलाव आ जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे आपकी सांसें गतिशील हो जाएं। बस इतना कि आप गहरी सांस लेने लगें। कम से कम दिन में 3 घंटे सजग रहें, सिर्फ ऐसे बैठे। आप देखेंगे कि आपकी कई चीजें बदल जाएंगी। रात में जब आप नींद में जाने लगते हैं, जागने की अवस्था से नींद तक अगर आप जागरूकता में जा सकें तो आपका पूरा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। हालांकि 5 तत्वों से बने आपके शरीर में वायु सिर्फ 6% है, पर यह सबसे गतिशील तत्व है, क्योंकि हर एक मिनट में आपके शरीर में इसका लेन देन होता है। तो आप कैसी हवा में सांस लेते हैं यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और यह सब जानते हैं, मगर आप कैसे और कितनी चेतना में सांस लेते हैं यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। खासकर अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो जिस किस्म की हवा में आप सांस लेते हैं वो शायद आपके हाथ में ना हो, तो अच्छा होगा कि कम से कम कुछ मिनट पार्क में, झील या नदी के किनारे या जो भी आपके लिए उपलब्ध हो वहां टहलें। खासकर अगर आपके बच्चे हैं तो ये जरूरी है कि आप कम से कम महीने में एक बार उन्हें शहर से बाहर ले जाएं, शहर से इतना दूर जहां प्रकृति थोड़ी शुद्ध स्थिति में हो, जहां वो किसी छोटी पहाड़ी पर चढ़ सकें या किसी जंगल में टहल सकें, नदी में तैर सकें, जहां वो प्रकृति के संपर्क में रह सकें और कुछ ऐसा करें कि सांस गतिशील स्थिति में हो। ये सिर्फ एरोबिक कसरत के लिए नहीं है, क्योंकि शरीर में बाहर की हवा का लगातार आदान प्रदान हो रहा है, तो शरीर की बुद्धिमानी इसका ख्याल रखती है। जब वो महसूस करती है कि हवा शुद्ध और जीवंत है तो शरीर अलग तरीके से सांस लेता है। आप ये देख सकते हैं और सिस्टम के अंदर लेन देन और शुद्धिकरण होगा, क्योंकि सांसों में हवा का लेन देन सिर्फ 1-2% होता है, बाकी सांस कई अन्य रूपों में घटित होती है। तो अगर आप शुद्ध हवा में रहते हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे आपकी सांसें गतिशील हो जाएं। आपको बहुत मेहनत वाला काम करने की जरूरत नहीं है, बस इतना कि आप गहरी सांस लेने लगें, कुछ समय तक सामान्य से थोड़ी गहरी सांस चलने लगे। और खासकर बढ़ते बच्चों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे शरीर की अखंडता और मजबूती बढ़ती है। आप सिर्फ अपने मन में, अपने शरीर में, अपनी भावनाओं में या अपनी ऊर्जाओं में योग कर सकते हैं, या बस अपने बैठने और खड़े होने के तरीके से आप योग कर सकते हैं। अपने दफ्तर में जब आप बैठें तो एक निश्चित तरीके से बैठें। देखिए, आप में से ज्यादातर लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है? आपको समझना चाहिए कि विकास के प्रक्रिया में जो बुनियादी बदलाव हुए, विकास क्रम में ये महत्वपूर्ण चरण आए। रीढ़ नहीं थी पर विकसित हो गई। इसका अर्थ है कि हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम अधिक जटिल और व्यवस्थित हो गया, तो एक ढांचा जरूरी हो गया। विकास की प्रक्रिया में एक और अहम प्रगति ये हुई कि रीढ़ क्षैतिज से सीधी खड़ी हो गई। बड़ा बदलाव। रीढ़ के सीधा होने के बाद ही मस्तिष्क का ये फूल विकसित हुआ। तब तक ये छोटा सा था। तो आपकी बुद्धिमानी के मुख्य कारण है वो न्यूरोलॉजिकल विकास जो आपकी रीढ़ के अंदर हुआ, और रीढ़ की सीधी प्रकृति। आप सिर्फ इतना योग करें, जहां भी आप बैठे चेतनता में अपनी रीढ़ सीधी रखकर बैठें। अगर आपके कंधे दुखते हैं क्योंकि वो मजबूत नहीं है तो उन्हें सहारा दें। बस जब भी संभव हो इस तरह बैठें। कम से कम दिन में 3 घंटे सजग रहें, सिर्फ ऐसे बैठें। आप देखेंगे कि आपकी कई चीजें बदल जाएंगी। सिर्फ मुद्रा नहीं, जिस तरह आप सोचते, महसूस करते और जीवन को अनुभव करते हैं वो धीरे धीरे बदलने लगेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ऐसे बैठे हैं, न कि ऐसे। लेकिन आज आपके सारे फर्नीचर का डिजाइन अमेरिका से आता है, जिस पर बैठकर आप कुशन में घुस जाते हैं। देखिए, एक मांसपेशियों और अस्थि पंजर का आराम होता है और एक भीतरी अंगों का आराम होता है। उदाहरण के लिए, आप ऐसे बैठे हैं, अभी अभी आप खाकर आए और आपको ऐसे बैठने का मन हुआ। आपको समझना चाहिए कि सभी महत्वपूर्ण अंग इस हिस्से में है, वो एक जगह जुड़े हुए नहीं है, वो सभी नेट में झूल रहे हैं।
अगर आप ऐसे करेंगे तो वो सभी इस तरह एक के ऊपर एक गिरेंगे, उनमें से कोई भी ठीक से काम नहीं करेगा। आप बस इस तरह बैठे, वो अलग अलग झूलते हुए अपना काम करते रहते हैं। ऐसे बैठने से काम बिगड़ेगा। तो खासकर भोजन के बाद आप इस तरह लेटते हैं तो सब कुछ भीतरी अंगों पर बहुत भार पड़ेगा और वो ठीक से काम नहीं करेंगे। तो योग हमेशा अंगों के आराम पर ध्यान देता है, क्योंकि आपकी बुनियादी सेहत, आप कितना लंबा जीते हैं और आपका सिस्टम कैसे काम करता है, ये इन अंगों के स्त्रावों और काम पर निर्भर है। इसीलिए अपनी रीढ़ को सीधा रखिए, अपने दफ्तर में ऐसे बैठिए। आप देखेंगे कि 2-3 सप्ताह में आपके जीवन में काफी बदलाव आ जाएगा। इतना योग तो आप कर सकते हैं। जो भी आप देखते, सुनते, सूंघते, चखते और छूते हैं वो दर्ज होता है। कमजोर याददाश्त का मतलब है बस जरूरत पड़ने पर आप उसे वापस नहीं ला पाते हैं। दर्ज करने में कोई समस्या नहीं है, सब दर्ज हो रहा है, मगर आप जो चाहते हैं उसे चुन नहीं पाते। अगर आप ये चुनना चाहते हैं तो कुछ और आ जाता है। तो ये सिर्फ स्पष्टता का सवाल है, न कि याददाश्त का। याददाश्त का मतलब है कि मान लीजिए हम कहते हैं कि इस फोन में कम मेमोरी है, इसका क्या अर्थ है? इसमें दर्ज करने की क्षमता सीमित है ना? अगर मैं 2 दबाऊं और 5 आ जाए तो इसका क्या अर्थ है? खराब मेमोरी या खराब कीबोर्ड? खराब कीबोर्ड। तो ये खराब कीबोर्ड का प्रश्न है, ये खराब मेमोरी का प्रश्न नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप 2 को 2 कहें, 5 नहीं। यह खराब कीबोर्ड का प्रश्न है। मेमोरी को ठीक करने की कोशिश मत कीजिए, मेमोरी बढ़िया है। आप जो भी देखते हैं वो दर्ज होता है। आप सही नंबर टाइप नहीं कर पाते, समस्या बस यही है ना? तो हमें स्पष्टता पर काम करना है। मन की स्पष्टता किससे मिलती है? पहली चीज है कि अगर हमारी स्पष्टता अपने आप अच्छी नहीं है तो सरल चीज है चीजों को एक तरह की सटीकता के साथ करना। आप ये सरल अभ्यास कीजिए कि इस क्षण से जब आप खड़े हों, जब आप बैठें, जब आप चलें और जब आप बाहर निकलें, तो आपको बस देखना है यहां कितने खंबे हैं। सबको गिनने की कोशिश मत कीजिए। पहली पंक्ति को अगर आप सिर्फ ऐसे देखें, अच्छा इसमें 5 खंबे हैं, आपको यह पता चलना चाहिए। 5 खंबे, 1 बर्तन, 1 चट्टान, 1 बड़ी चट्टान, 1 तालाब, 4 और खंबे, 1 दरवाजा। कितना ऊंचा? 12 फीट लगता है। बस हर चीज के साथ ऐसा करें। यहां से वहां तक कितनी सीढ़ियां हैं? 1-2 इस तरह न गिने। 3 सीढ़ियां चढ़ने के बाद 3 हो गई, और 3 और 3 और 3। कुछ दिन बाद 11 या 4 या 5 गिने। बस इसी तरह बिना सोचे धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, लगता है मैंने 12 सीढ़ियां चढ़ ली हैं। आप देखेंगे कि स्पष्टता स्वाभाविक रूप से आ जाएगी। जो आपके शरीर को छूता है और जो आपके शरीर को नहीं छूता उसका सिस्टम पर कई तरह से असर पड़ता है। मैं चाहता हूं कि आप इसे आजमाएं, सिर्फ 1 सप्ताह तक। सिर्फ ऑर्गेनिक कपड़े पहने, ऑर्गेनिक भोजन नहीं, ऑर्गेनिक कपड़े, सिर्फ सूती सिल्क। चमड़ा इस्तेमाल मत कीजिए, सिर्फ ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करें। सिर्फ 1 हफ्ते, फिर उसे छोड़ दीजिए। मेरा मतलब है अंदरूनी चीजों से लेकर सब कुछ सूती सिल्क या ऊनी। 1 सप्ताह बाद हर चीज सिंथेटिक पहनिए, अपने भीतरी वस्त्रों से लेकर सब कुछ सिंथेटिक। आप बस देखिए कि शरीर कैसा महसूस करता है। आप देखेंगे कि शरीर जैसा महसूस करता है, आपका शरीर आराम और सहजता के जिस स्तर पर है उसमें आप एक बड़ा अंतर देखेंगे, क्योंकि जो चीज शरीर से लिपटी है उसका एक पहलू है। एक और चीज है कि आप जो हैं उसे अभिव्यक्त करने का तरीका भी
कुछ पदार्थों से बेहतर या सीमित होता है, तो सूती और सिल्क आपके सिस्टम के लिए सबसे अच्छे होते हैं, खासकर अगर वो कच्चा है, इसे किसी तरह उपचारित नहीं किया गया है। इसका एक निश्चित असर होता है। अगर आप सजग हैं कि कैसे हर छोटी से छोटी चीज सिस्टम को प्रभावित करती है, ऐसा नहीं है कि अगर मैं सिंथेटिक पहनूं तो मैं मर जाऊंगा, नहीं, मैं पहन सकता हूं। वो महसूस होता है, न कि दिखता है। वो मुझे गरिमाहीन महसूस होता है, क्योंकि उसका एक तरह का असर होता है। मैं ध्यान भी कर सकता हूं, मैं वही व्यक्ति रहूंगा अगर मैं ऊपर से नीचे तक सिंथेटिक पहनूं, मैं तब भी वही रहूंगा, मगर थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ी कोशिश करनी होगी। अब ये काफी सहजता से होता है, आपको करके देखना चाहिए। अलार्म से उठना सिर्फ आवाज की बात नहीं है, बात अचानक आवाज आने की है। अगर आप गहरी नींद में हैं और अचानक एक ऊंची आवाज आती है, सौभाग्य से अब आप में से अधिकतर लोग अपने सेलफोन या आईपैड वगैरह पर अलार्म लगाते हैं, जिनमें आप आसानी से अपना मनपसंद संगीत लगा सकते हैं। भारत में सुप्रभात होता है। प्रभा का मतलब है भोर या रोशनी। सुप्रभात का अर्थ है, शायद अंग्रेजी में हम इसे गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। आपको गुड मॉर्निंग कहा जाता है, शब्दों में नहीं बल्कि ध्वनियों की एक व्यवस्था द्वारा। आज सुबह जागने का मतलब है कई तरह से पुनर्जन्म। नींद में आपके लिए दुनिया नहीं होती और अब आप फिर से वापस आते हैं। जब आप वापस आते हैं तो आप कैसे बाहर आते हैं, यह आपके दिन के बारे में कई चीजें तय करेगा। आज आपका जीवन किस दिशा में जाएगा, यह इससे तय होगा कि आप किस तरह से बाहर आते हैं। तो मुझे यकीन है कि पिछली पीढ़ियों में ज्यादातर भारतीयों ने इस पर गौर किया होगा। जब वो सुबह उठते थे, उनकी दादियां माएं हमेशा शिव या शंभो या हर हरी ऐसा कुछ बोलते हुए उठती थीं। मगर इस स्पंदन में सोने का एक तरीका है, तो आप किस तरह की ध्वनियों में जगते हैं वो कई रूपों में आपके दिन की प्रकृति और आपके जीवन का भविष्य तय करेगा। वो समय जब आप आधे जगे हुए और आधे सोए होते हैं, अगर आप उसके प्रति जागरूक हो सकें। मैंने जागने की अवस्था से नींद के उस बिंदु के बारे में कई बार कहा है। रात में जब आप नींद में जाने लगते हैं, जागने की अवस्था से नींद तक अगर आप जागरूकता में जा सकें, तो आपका पूरा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। तो लोगों द्वारा सोते समय एक मंत्र जपने की परंपरा है, ताकि वो उस बिंदु तक आ सकें। मगर शुरू में आप देखेंगे कि आपको मंत्र जपते हुए नींद आ गई, मगर आपको याद नहीं आता।